जनता अभी कोरोना महामारी के भय से मुक्त भी नहीं हुई कि हिमाचल के ज्वाली में पीलिया रोग ने दस्तक दे दी है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले एक सप्ताह में ज्वाली में पीलिया तेजी से फैल रहा है। अभी तक ज्वाली इलाके में 10 लोग पीलिया की बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जबकि ज्वाली के एक युवक की पीलिया से मौत भी हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक 3 मरीज ज्वाली के सिविल हॉस्पिटल में उपचाराधीन हैं। अकेले नगर पंचायत ज्वाली में इकट्ठे 6 से 7 मरीजों का एक साथ पीलिया से बीमार होना चिंता का विषय बना हुआ है। अगर विभाग ने समय रहते पीलिया फैलाने के कारण का पता नहीं लगाया तो जिस तेजी से यह फैल रहा है तो यह बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। फिलहाल विभाग ने पीने के पानी के सैंपल इकट्ठे कर लिए हैं, जिनका टेस्ट किया गया है, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लिहाजा किन किन कारणों से ज्वाली में पीलिया अपनी दस्तक दे रहा है यह अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की नींद, जो कि पहले से ही कोरोना ने उड़ा रखी है, अब पीलिया ने उनकी दिक्कतें और बढ़ा दी हैं। इस बारे में जब ज्वाली के SMO डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में पीलिया रोग के 10 मरीज अस्पताल में आए हैं, जिनमें 3 उपचाराधीन हैं, वह अभी बीमारी के कारण के बारे में कहना ठीक नहीं है। पानी के सैंपल मरीजों के घरों से भी एकत्रित किए गए हैं, जिनकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पानी के सैंपल सही आए हैं। उन्होंने लोगों को आग्रह किया है कि वह पानी उबाल कर पिए और अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर पकाकर खाएं और खाना खाने के पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। एक हफ्ते में हमारे पास तकरीबन 10 के आसपास पीलिया के मरीज आए हैं, जिनमें से मतलब डिफरेंट लोकेलिटीज़ के भी हैं। कोई 6 to 7 पेशेंट हमारे ढन रोड वाली साइड हैं, बाकी दूर दूर एरिया के हैं, खरोटा का है, मतलाहड़ का है। तो एज सच क्लस्टरिंग तो हमें अभी कहीं मिली नहीं है, बट प्रिकॉशनरी हमने SDM साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को भी बता दिया गया है, और IPH XCM साहब को भी बता दिया गया है, और वाटर सैंपल हमने जो प्रीलिमिनरी लिए थे तो वो तो नेगेटिव हैं, उनमें मतलब कॉलीफॉर्म्स नहीं है। यूजली कॉलीफॉर्म्स जो है वो हमारे बताते हैं कि पानी हमारा दूषित है कि नहीं, तो वो रिपोर्ट तो नेगेटिव है। तो सर पर्टिकुलर ज्वाली में अगर बात की जाए तो यहाँ पर कितने पेशेंट हैं? ज्वाली के तकरीबन पिछले एक हफ्ते में 10 मरीज आ गए हैं, जिनमें से एक एक्सपायर भी हो गया है, उसका काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो उसको टांडा के लिए रेफर किया था, टांडा के लिए फिर वो टांडा से वो यहाँ लुधियाना गया DMC, तो वहाँ एकदम से उसको एक्यूट लीवर के लिए हुआ और वो एक्सपायर हो गया। सर आप इस मौके पर क्या कहेंगे लोगों को पीलिया के? पीलिया के लिए मेरा सबसे यही दरख्वास्त है कि हमने क्लीन प्रैक्टिस करनी है। जो खाना बनाने वाला है वो प्रॉपरली अपने हैंड वॉश करे, सैनिटेशन प्रॉपर रखे, और जब भी आपने खाना खाना है तो हाथ अच्छे से धोने हैं साबुन से 1 मिनट तक। उसके अलावा दूसरा आप ये कर सकते हो कि जो पानी पी रहे हैं आप उसको आप अच्छे से रोलिंग बॉयल करें फॉर 1 to 3 मिनट, इतने में पीलिया का जो भी कीटाणु है वो मर जाता है, तो वो वाटर फिर हम रेफ्रिजरेट करके अपना आराम से पी सकते हैं। दूसरा मतलब अभी फ़िलहाल कच्ची सब्जी ये सब खाने से परहेज़ करें, सब्जी या दाल जो भी बनाना है प्रॉपरली कुक करके बनाएं और साफ पानी यूज़ करें, और ये भी अपनी सराउंडिंग का भी ध्यान रखो, अगर कहीं कोई सीवेज तो नहीं लीक हो रहा है या आपका सेप्टिक टैंक या आपकी वाटर सप्लाई से तो नहीं मिक्स हो रहा है, तो ये एक कॉमन कारण होते हैं, क्योंकि पीलिया का जो मोस्टली रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो फिकोरली होता है, जब हमारा पानी या खाना दूषित हो जाता है। तो ये प्रिकॉशंस हमें साथ में लेनी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.